हेलो स्टूडेंट्स, जो कि बहुत सारे पीटीयू के अंडर जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके क्वेश्चंस थे और कुछ इंक्वायरीज थी जिनके आंसर मिल चुके हैं, और जितने भी डाउट थे आपके वो आज क्लियर हो जाएंगे आपके एक ही वीडियो में। और जितने भी पीटीयू के अपडेट्स होती हैं उसके लिए अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके उसकी बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑल में क्लिक करना, तब ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल सके। रिसेंट नोटिफिकेशन जो भी आती है आपको उसी टाइम मैं पोस्ट कर देती हूँ, जो नेक्स्ट डे जरूर पोस्ट कर देती हूँ, और जो भी आपके डाउट्स होते हैं मैं डायरेक्टली पीटीयू पे मेल कर देती हूँ। और कुछ भी रिगार्डिंग आपको पीटीयू के कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट में, और या फिर मुझे ईमेल आईडी पे मेरे पोस्ट कर सकते हैं। आपको ईमेल आईडी मेरे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं। और आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको डे बाय डे बताती जाऊँगी, ठीक है? उसकी आपने टेंशन फिकर नहीं करनी है, आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाएंगे, मेरी ब्लेसिंग्स हैं आपके सबके साथ। और स्टार्ट करती हूँ आपके प्रॉब्लम से। फर्स्ट प्रॉब्लम थी कि स्टूडेंट के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन कि इफ़ आई विल बी एबल डाउनलोड क्वेश्चन फ्रॉम थ्रू एंड्रॉयड स्मार्टफोन, के क्या मैं अपने फ़ोन जो मोबाइल फ़ोन से अपना डाउनलोड कर सकता है क्वेश्चन पेपर? येस, यू कैन डाउनलोड क्वेश्चन पेपर फ्रॉम योर लॉगिन आईडी थ्रू स्मार्टफोन, ठीक है? अपनी लॉगिन आईडी जो है उसके पास बस इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए। आप डेस्कटॉप पे करो, लैपटॉप पे करो, स्मार्टफोन पे करो, कहीं भी कर लो, डाउनलोड करना है बस आपको। सेकेंड है, वट काइंड ऑफ पेन इज़ अलाउड टू राइट द आंसर शीट, आप कौन सा पेन यूज़ करना है? तो आपके लिए कोई भी पेन चलेगा, ब्लैक पेन जो है या जेल पेन है, जो कोई भी चलेगा, ब्लैक पेन यूज करना आप, और जेल पेन भी कर सकते हो, बॉल पेन भी कर सकते हो, ठीक है? अब तो मोस्टली प्रेफर करना ब्लैक पेन, ब्लू भी ठीक चलेगा बट ब्लैक प्रेफर करना, ठीक है? नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ पेपर कैन बी यूज फॉर आंसर शीट। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम मतलब कौन सा हमें मतलब वाइट लाइंस वाली शीट्स चाहिए, या कौन सी शीट्स के अकॉर्डिंगली हम पेपर लिख सकते हैं? तो इसमें साफ साफ लिखा है उन्होंने, पीटीयू ने, कि वाइट प्लेन ए फोर शीट पेज जो है मस्ट बी यूज फॉर ए आंसर शीट। मतलब जो ए फोर शीट्स हैं, वाइट प्लेन पेपर आता है जो खाली जिसपे कुछ लाइन नहीं, वहाँ पर आप मार्जिन कर सकते हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मार्जिन लगा सकते हो वहाँ पर और उसको उस पर आप लाइन्स ड्रॉ कर सकते हो, बट उसको लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं, आप नॉर्मल उस पर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों का, इफ़ आई डोंट हैव एनी स्मार्टफोन, डेस्कटॉप, लैपटॉप और इंटरनेट फैसिलिटी, तो क्या करना चाहिए? तो उनका आंसर है, यू कैन कॉन्टेक्ट द यूनिवर्सिटी फ्रॉम थ्रू स्टूडेंट इंक्वायरी पैनल एंड पोस्ट योर क्वेरी एंड वेट यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्स, ठीक है? आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अभी मैसेज डाल दो, आप अभी उनको ईमेल कर दो क्वेरी पैनल पे, आप उसके थ्रू उनको कॉन्टेक्ट करके मोबाइल फ़ोन पे या फिर उनके ईमेल आईडी पे आप उनको भेज दो, या अपने कॉलेज से आप असिस्टेंट हेल्प ले सकते हो। यूनिवर्सिटी विल प्रोवाइड द असिस्टेंट टू द स्टूडेंट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डे, मतलब एग्जामिनेशन डे पे आपको पूरी हेल्प मिलेगी। क्वेरी सेंड थ्रू ईमेल विल नॉट बी एंटरटेन, मीन्स कि आप ईमेल करोगे तो उसके द्वारा नहीं आपकी सुनी जाएगी, आप कॉन्टेक्ट करोगे जो मोस्टली हमारा क्वेरी पैनल है, स्टूडेंट क्वेरी पैनल है पीटीयू का, ठीक है? वहाँ पे सॉरी, यहाँ पे इन्होंने साफ लिख दिया कि ईमेल नहीं कर सकते आप, ठीक है? और सिक्स पॉइंट है, शुड आई राइट ऑन बोथ साइड ऑफ पेपर, बिल्कुल नहीं, मैंने आपको पहले भी बोला था, नो, पेपर मस्ट बी राइट वन साइडेड ओनली, एक ही साइड पे लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ शीट्स, तो जस्ट आपको मैंने जैसे बताया था कि 20 शीट्स मैक्सिमम है, अगर आप 10 भी यूज़ करते हो 12 में पेपर ख़त्म कर लेते हो तो उतनी ही अपलोड करनी है, उसका कोई नुकसान नहीं है। मैक्सिमम जो है 20 शीट से मैक्सिमम जो है वो एक्सेप्ट नहीं होंगी आपकी, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और डबल आप बैक साइड पे लिखोगे वो भी आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू पीटीयू, मैं नहीं अपनी तरफ से बोल रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वेयर कैन आई पुट पेज नंबर ऑन रिटर्न आंसर शीट, मैं कहाँ पेज नंबर कहाँ लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ? तो इस पर यहाँ पे सिंपल लिखा है, यू मस्ट पुट सिग्नेचर एंड पेज नंबर एट द बॉटम ऑफ शीट, मीन्स नीचे वाली साइड पे आप पेज नंबर और अपने साइन कर सकते हो, मतलब जैसे अपने राइट साइड पे पेज नंबर लिख लो और उसके साथ ही आप सेंटर में साइन कर लो, या कहीं भी साइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वेयर
वेयर डू आई अपलोड द स्कैन इमेजेस ऑफ रिटन पेजेस, मैंने जो हमारी रिटन पेजेस है उनको अपलोड कहाँ पे करना है स्कैन करके, तो यू कैन, इसका आंसर है कि यू कैन अपलोड वन पीडीएफ बना के उसके उस आंसर शीट के वो आप अपलोड कर सकते हो। ऑल्सो यू हैव टू मैंशन नंबर ऑफ़ पेजेस, कितना मैंशन करना है आपने, कितने नंबर ऑफ़ पेजेस जो है स्कैन किए हैं आपने, मतलब अपलोडिंग बॉक्स में, और वहाँ पे ऑप्शन आएगा, आपने वहाँ पे ऑप्शन लिखना है कि कितने नंबर ऑफ़ पेजेस आपने अपलोड करने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आपका था कि इफ़ आई अनेबल टू अपलोड द आंसर शीट थ्रू लॉग इन देन वट शुड आई डू, तो मतलब अगर मैं अपलोड नहीं कर पाती हूँ उस टाइम पे, जा कर पाता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या 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 मतलब पॉसिबिलिटी है कि क्या करना चाहिए, तो सिंपली आपको कुछ भी नहीं टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको यू हैव टू पोस्ट द क्वेरी टू यूनिवर्सिटी एंड वेट फॉर रिप्लाई, आपके लिए असिस्टेंट के लिए बहुत सारे वहाँ पे बैठे हुए हैं और यूनिवर्सिटी में, वो आपको इंस्टेंट रिप्लाई देंगे, ठीक है। और अगर आपको फिर भी कोई मतलब प्रॉब्लम आती है क्वारी के अलावा भी, आपको क्वारी नहीं जा रही, ईमेल नहीं जा रही वहाँ पे, या कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो आप IKGPTU जो OBEAS जो है हमारी साइट, ये आप साइट लिख लो, ये वाली दिस वन इज साइट, आप बोलते हो मैम कौन सी साइट बोला था आपने, तो मैं हाईलाइट करके बता रही हूँ, ये साइट आप नोट कर लो, यहाँ पे आप अपना वैलिड रीज़न बता सकते हो, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम आई थी आपके, क्या है थी, बट उसी डे में, उसी टाइम पे और उसी डे पे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, शुड आई सबमिट आंसर शीट्स टू कॉलेज, अब जो आंसर शीट्स हैं उनके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन थे आपके, कि हमें जो आंसर शीट्स हैं कहाँ पे पोस्ट करनी है, कब करनी है और कैसे पोस्ट करनी है, क्या मैं डायरेक्टली अपने कॉलेज में पकड़ा दूँ शीट्स, क्या मैं वहाँ सेंड कर दूँ, तो उसका आंसर बिल्कुल स्ट्रिक्टली दिया है PTU ने, नो, स्टूडेंट्स शुड आल्सो बी रिस्पॉन्सिबल टू पोस्ट, स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही पोस्ट करेंगे, सारी ओरिजिनल शीट्स जो हैं लास्ट एग्जामिनेशन के बाद उनको ही पोस्ट करनी पड़ेंगी, कहाँ, यूनिवर्सिटी में, और स्पीड पोस्ट की रिसिपियंट, जो रिसिपियंट है उसकी स्लिप जो है वो आपकी स्कैन होके वो भी अपलोड होने चाहिए आपकी ID के थ्रू, ठीक है, आपने जो मतलब आपकी ID के थ्रू जो है वो अपलोड होनी चाहिए, जहाँ आपने जो पोस्ट किया है वो स्पीड पोस्ट की आपके पास रिसिपियंट है उसको आप ज़रूर स्कैन करके वहाँ पे पोस्ट करोगे, दिस इज़ मस्ट, ठीक है, ये मस्ट है, ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चन नंबर 12 था बच्चों का, कि बहुत सारे बच्चों का था मेरे पैनल पे, यहाँ पे चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि आई एम रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, तो आई मतलब कुछ बच्चों ने पोस्ट किया था कि मैम मैं बाहर रह रहा हूँ, तो अगर आप आउटसाइड इंडिया से बाहर हो तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। हाउ कैन आई सेंड माई ओरिजिनल शीट्स आफ्टर एंड ऑफ माई ऑल एग्जामिनेशन, तो मैं कहाँ से, कैसे, मैं बाहर से कैसे सेंड करूँ, तो बच्चों को कोई ज़रूरत नहीं है कहीं भी जाने आने की, कहीं फ़्लाइट की टिकट आपकी बाहर हो तो आपकी इतनी ज़रूरत नहीं वापस आने की, जहाँ भी हो वहीं से आप अपना कहीं से भी आप पोस्ट कर सकते हो सिर्फ कोरियर करके, ठीक है, स्पीड पोस्ट कर सकते हो और कॉरियर कर सकते हो, और बैठे बैठे कहीं भी नेट की फैसिलिटी है आपके पास, आप वहां से अपलोड कर सकते हो, और बहुत ही अच्छा मौका मिला है आपको घर पे बैठे एग्ज़ाम देने का, तो स्टूडेंट्स आपको एग्ज़ाम देना है, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना है, कोई भी आपको प्रॉब्लम अभी भी आपके माइंड में क्वेश्चन हैं तो आप मुझे मेंशन कर दो कमेंट में, मैं यहां बैठी हुई हूं आपकी हेल्प करने के लिए, और कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बता दिया करो, बस इतना है कि थोड़ा सा रिप्लाई का वेट कर लिया करो, कभी कभी हम बिज़ी होते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है रिप्लाई करने में, हमें पता है स्टूडेंट का इस टाइम पे इंस्टेंट रिप्लाई का बहुत ज़रूरी है, बट थोड़ा सा टाइम दीजिए, दिया करिए और थोड़ा सा वेट किया करिए, और स्टूडेंट्स आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मुझे, ये वीडियो जितना शेयर हो सके अपने PTU स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, PTU के स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के माइंड के क्वेश्चंस थे जो यहाँ उनको जवाब मिल चुके हैं, तो अब आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपनी प्रिपेयर करो और अच्छे से आपका रिज़ल्ट आएगा, जो वो अच्छा अच्छा वाला रिज़ल्ट आप पोस्ट करो मेरे कॉमेंट्स में। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट।